बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर ब्लैक बक पोचिंग केस के बारे में आए दिन अपडेट्स आती रहती है। ये केस इतना पुराना है और अब फाइनली इस केस में एक और अपडेट सामने आई है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट का पिटिशन डिसमिस करते हुए कहा है कि सलमान खान ने कोई भी फॉल्स एफिडेविट नहीं फाइल किया था ब्लैक बक पोचिंग केस में। राजस्थान गवर्नमेंट ने सलमान खान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है ताकि वो बच सके। आपको बता दें, सलमान खान के इस हियरिंग में कल जज रघुवेंद्र ने 3:30 पर दोपहर को कहा कि जो PIL सलमान खान के अगेंस्ट फाइल की गई है उसके पीछे कोई भी ग्राउंड नहीं है। पिटिशन को रजिस्टर किया गया था ये क्लेम करते हुए कि सलमान खान ने कोर्ट में रॉन्ग एविडेंस दिया है कि उनका जो आर्म्स का लाइसेंस है वो गुम हो चुका है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चलते ये पता चला है कि एक्टर ने एक्चुअली मुंबई के बांद्रा में अपने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। सलमान खान को सेक्शन 51 के अंडर बुक किया गया था ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर पोचिंग 2 ब्लैक बक्स इन भावड़ विलेज ऑन September 26 and 27 इन 1998 और एक ब्लैक बक मथानिया में जो था September 28, 1998। उस टाइम सलमान खान हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। सलमान खान को कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू कहते हुए एक पोस्ट डाली। सलमान ने अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, टू ऑल माई फैंस थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कंसर्न, ख्याल रखो अपना एंड परिवार का, गॉड ब्लेस एंड लव यू टू। We'll be right back.